उत्तर प्रदेश में 2.0 योगी की सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने के बाद और मत्स्य मंत्री का भार संभालने के बाद निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री संजय निषाद पहली बार लखनऊ के मत्स्य निदेशालय पहुंचे, औचक निरीक्षण करने पहुंचे, जहां पहुंचने के बाद उन्होंने पूरे निदेशालय का निरीक्षण कर कार्य प्रणाली को जानने की कोशिश की। इसके साथ ही वहाँ मौजूद कर्मचारियों से हालचाल तक पूछा और वहाँ मौजूद गंदगी को देखकर साफ सफाई को लेकर अधिकारियों को फटकार भी लगाई और व्यवस्थाओं को शुद्ध करने के भी निर्देश दिए। औचक निरीक्षण के दौरान हमारे संवाददाता जितेंद्र सिंह ने कैबिनेट मंत्री संजय निषाद से खास बातचीत की। क्या कहा कैबिनेट मंत्री ने, आइए आपको भी सुनाते हैं। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में अपना पदभार ग्रहण चुके संजय निषाद जी अपने विभाग में पहुंचे, सर हालचाल लेने आए विभाग की, और क्या स्थितियां मिली और क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए सर? और निश्चित रूप से मेरा पहला धर्म बनता है कि हम जिस टीम से काम लेना हो उस टीम की भावनाओं को समझें और उनको दुरुस्त करें और उनकी समस्याओं को समझें। कम साधन संसाधन में इस विभाग को चलाने वाले को कुछ अधिकारियों को डबल ट्रिपल डिपुटेशन पर चार्ज लेकर काम कर रहे हैं, उन्हें धन्यवाद देना था। और कुछ लोग ऐसे थे कि जो लेजी थे, उन्हें हमें हिदायत देना था। और ये विभाग इस प्रदेश को मैं धन्यवाद दूंगा माननीय इस केंद्रीय नेतृत्व और उत्तर प्रदेश नेतृत्व को कि जिस समुदाय के लिए संघर्ष कर रहा था वो समुदाय उसके लिए इस विभाग बनाया गया और उन्हें हम सेवा देने का अवसर मिला। तो ये कम साधन संसाधन में ये तीन चीज़ है कि बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए, जहाँ कोई देश में बढ़ती बेरोजगारी को इनमें सहायक है रोकने के लिए, खाद्यान्न का उत्पादन है, प्रोटीन ज़्यादा है मछलियों में, और तीसरा हम उत्तर प्रदेश को रेवेन्यू भी दे सकते हैं। जो विभाग तीन चीज़ दे सकता है तो उसे हमें चुस्त दुरुस्त करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। मैंने सर पहली बार देखा कि कोई मंत्री आया अधिकारी से पहले पूछा ये बताइए आपका काम कैसे चल रहा है, आप ठीक ठाक हैं, शायद ऐसा कुछ पहले। और एक चीज़ अधिकारी ने सर आपसे कही कि पदों की बहुत कमी है, क्योंकि सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कहा है कि 100 दिन के कार्यकाल की कार्य योजना बनाई जाए। निश्चित रूप से हमारे कैप्टन माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी, हम लोग खिलाड़ी हैं और इस खेल में जो हमारे सहयोगी हैं, ये निश्चित रूप से इनके भावनाओं को समझना, इनकी समस्याओं का समझना, जिससे कि हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें जो माननीय योगी आदित्यनाथ ने दिया कि इस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना और मछली के व्यापार में उत्पादन में एक नंबर करना, हमें दूसरे प्रदेश पर नहीं, इस प्रदेश से हम दूसरे प्रदेश में। तो जो कमियाँ होगी जब हम जानेंगे उसे दुरुस्त करेंगे, तो जो कमियाँ थी अब चलेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास रखेंगे और कुछ लोगों को इसमें सारी जो इतना यथासंभव हो सकता है उसे पूरा करेंगे, रोजगार में अहम भूमिका निभाएंगे उत्तर प्रदेश। निश्चित रूप से युवाओं को और महिलाओं को और जितने बेरोजगार हैं, गरीब हैं, जो पात्र लाभार्थी, उन्हें लाभ सरकार से सहायता देकर इस मछली पालन के क्षेत्र में लाकर उनको आत्मनिर्भर बनाएंगे। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कैबिनेट मिनिस्टर और मत्स्य विभाग के मंत्री संजय निषाद जी ने साफ तौर पर किया कि हम युवाओं को जोड़कर रोजगार देने का काम करेंगे और साथ ही साथ मत्स्य विभाग को आगे ले जाने का काम भी करेंगे। कैमरा सौरभ साथ में जितेंद्र सिंह, ANB न्यूज़, लखनऊ।